हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? देखिए, अभी हम आप लोग को कोविड-19 के बारे में बता देती हूँ। अभी जो है कोविड-19 का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप लोग सुरक्षित होकर के घर में ही रहिएगा, घर में पढ़ाई कीजिएगा, घर से बाहर बेवजह नहीं जाइएगा, अपने घर में अपने फैमिली के साथ ही रहिएगा, ठीक? समझ गए? बाहर नहीं जाइएगा क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक? अब आप लोग को पढ़ाई का काम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम आप लोग को अक्षर की पहचान करवा रहे हैं और आ में अक्षर की पहचान करवा रहे हैं। ऐसे आप लोग लिखते हैं तो अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ लिखते हैं। हम क्या किए हैं, कहीं से कहीं लिख दिए हैं क्योंकि आप लोग अक्षर पहचान लीजिएगा तब आगे चल करके आप लोग को सरल बनाने में सहूलियत होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, और है, उसके बाद क्या है, ए है, क्या है, ए है, ए के बाद क्या है, घ है, घ के बाद अंग है, उसके बाद च है, उसके बाद ठ है, उसके बाद ह्रस्व उ है, क्या है, ह्रस्व उ है, नहीं तो इसे अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ रहता। हम आप लोग को इसलिए दे दिए हैं क्योंकि आप लोग को ये वर्ण का पहचान हो जाएगा, अक्षर का पहचान हो जाएगा तो ठीक रहेगा। आप देखिए यहाँ ज है, ज के बाद क्या है, ख है, ख के बाद क्या है, ओ है, ओ के बाद ड है, ड के बाद छ है, छ के बाद दीर्घ ई है, उसके बाद क्या है, नो है, क्या है, नो, बड़ी नो इसको बोला जाता है, ठीक। आप देखिए यहाँ क्या है, झ है, झ के बाद ग है, ग के बाद आ है, आ के बाद ऐ है, ऐ के बाद औ है, क्या है, ए ऐ ओ औ करते हैं ना, वही है औ, उसके बाद ह्रस्व ई है, उसके बाद दीर्घ उ है, क्या है, दीर्घ उ है। आप देखिए यहाँ क्या है, ठ है, ठ के बाद या है, उसके बाद ट है, उसके बाद क्या है, अ, क्या है, अ है, उसके बाद क है, उसके बाद फिर लास्ट में क्या है, अंग है, क्या है, अंग है। आप देखिए अगर आप लोग ये पहचान लीजिएगा तो कहेंगे लिखने के लिए शब्द क ल क ज ल जल ख ल फल, ये आसानी से लिख लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो कैसे लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, इसीलिए आप लोग को ये बता रही हूँ, ठीक। ओके, धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।